हेलो चिल्ड्रेंस, आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स, लेसन 6। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव से पहले आप संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी पढ़ें कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, इत्यादि का बोध कराए, वो संज्ञा कहलाता है। और सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में जिसे यूज किया जाए उस सबका, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, हम, तो उसी तरह अब ये संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। कहेंगे कि विशेषता मतलब क्या, तो विशेषता का मतलब होता है क्वालिटी, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में बताता है कि वह किस टाइप का है, वो अच्छा है या बुरा हो। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में चाहे कुछ किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो, चाहे वो उसकी बुराई के बारे में बताई जा रही हो, चाहे उसकी अच्छाई के बारे में बताई जा रही हो, या फिर उसके कलर के बारे में बताया जा रहा है, या उसके लंबाई के बारे में बता, या किसी भी प्रकार के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो वो कहलाता है विशेषता। तो आज सबसे पहले तो हम एडजेक्टिव की डिफिनेशन को स्टडी करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। समझ में आई? जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह, या फिर संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देता है कि वह कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, वो लंबा है कि वो गोरा है या काला, चाहे जैसा भी हो, तो वो उसकी क्वालिटी, उसका विशेषता कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट इसको रिपीट करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब पर्सन्स, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी बता रहा हो, या फिर किसी जानवर के बारे में कोई विशेषता बता रहा हो, या फिर किसी पक्षी के बारे में उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, या किसी जगह के बारे में कोई उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, या किसी वस्तु के बारे में उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, चाहे वो क्वालिटी किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे उसके लिए वो बुरा के लिए, चाहे वो ख़राब के लिए, वो किसी भी प्रकार का क्वालिटी उसकी विशेषता होती है। दे टेल अस अबाउट स्पेशल क्वालिटी, है ना, वो उसके बारे में स्पेशल क्वालिटी कहते हैं, कहलाता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द कलर, जो किसी के कलर के बारे में डिस्क्राइब हो रहा हो, या फिर उसके शेप या उसके आकार के बारे में डिस्क्राइब हो रहा हो, या उसके साइज के बारे में, या फिर बिग ग्राउंड, या फिर उसके बड़े एरिया के बारे में हो रहा हो, रेड रोज, तो इस टाइप से क्या होता है, ये जो जिस चीज़ के बारे में भी डिस्क्राइब किया जाता है वो उसकी क्वालिटी है, उसका विशेषता है। ठीक है, जैसे बिग ग्राउंड, ग्राउंड कैसा है हमारा, बिग है, बड़ा है। रेड रोज, रोज कैसा है, रेड है, तो यहाँ पे रोज की क्वालिटी क्या है कि वह रेड है। ग्राउंड का क्वालिटी क्या है कि वो बिग है, बड़ा है। अगर वो यहाँ पे बिग की जगह पे स्मॉल भी हो सकता था, रेड की जगह पे वाइट भी हो सकता था, येलो भी हो सकता था। दे टेल अस अबाउट नंबर्स ऑल्सो देयर काउंट, और हम काउंटिंग, जहाँ कहीं काउंटिंग भी हो रही है वो भी एक विशेषता ही है, वो भी एक विशेषता ही है। जैसे किसी के नंबर के बारे में, चेयर्स, थ्री चेयर्स, या चेयर्स कितने, थ्री है, तो काउंटिंग भी एक विशेषता ही है। 1, 2, 3, 4, 5, चाहे जितना भी कोई भी काउंटिंग हो वो भी एक विशेषता ही है। वो संज्ञा के बारे में बता रहा है,
कि यहाँ पर तीन चेयर रखी है। तो यहाँ पर क्या विशेषता बता रहा है, तीन चेयर, थ्री चेयर्स, है ना। तो इस तरह से जिस किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में उसकी क्वालिटी को बताया जाता है, चाहे वो कलर्स हो, चाहे उसके शेप के बारे में, या उसके साइज के बारे में, या फिर उसके काउंटिंग के बारे में, ये सब क्या है, उनकी विशेषता। तो आइए, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो हम इसे फिर से रीड करेंगे। दिस इज येलो कार, दिस इज अ येलो कार। यहाँ पे येलो की जगह पे वाइट भी हो सकता था, रेड भी हो सकता था, कोई भी कलर हो सकता था। तो यहाँ पर यह एक कार है, तो कार की यहाँ पे क्या विशेषता बताई जा रही है कि यह येलो कार है, मतलब कार क्या है, पीला है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कार इज अ वेरी डर्टी, कार इज अ वेरी डर्टी। यहाँ पर इसका ए बी सेंटेंस बनता है, कार इज ए वेरी डर्टी, पी आई आर टी वाई, ठीक है। डर्टी मीन्स होता है गंदा। कार की यहाँ पे क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि कार बहुत ही गंदा है, कार बहुत ही गंदा है। तो ये भी इसकी एक क्वालिटी है, डर्टी भी। यहाँ पर इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि कार बहुत ही गंदा है, मतलब गंदा, डर्टी। डर्टी यहाँ पर क्या हो गया इसका, एडजेक्टिव, ठीक है। उसी तरह हिज शूज आर ब्लू, उसका जूता ब्लू है, या ब्लू की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वाइट, ब्लैक, येलो, रेड, है ना। तो हिज शूज आर वेरी डर्टी, हिज शूज आर वेरी न्यू, ये भी हो सकता था। तो न्यू भी हो सकता था, डर्टी भी हो सकता है, कलर्स नेम भी ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जूता खराब, गंदे दिख रही है, जूता बहुत ही न्यू है, जूता कैसा है, न्यू है। तो ये न्यू, डर्टी, ये सब भी क्या है, एक जूते की क्वालिटी बताई जा रही है, वो भी एक विशेषता ही है। दिस इज़ अ रेड रोज, यह एक लाल रोज है। तो ये रेड क्या है, क्या रोज की विशेषता बता रहा है कि रोज रेड है। यहाँ पर रेड की जगह पे येलो भी हो सकती थी, वाइट भी हो सकती थी, और भी कलर हो सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज अ फैट है, दिस इज अ फैट है, या एक मोटी मुर्गी है। मोटी की जगह पे पतली भी हो सकती थी, थिन भी हो सकता था, वेरी क्लेवर भी होता हो सकता था, कुछ कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर हेन का एडजेक्टिव क्या बता रहा है कि हेन मोटी है, है ना। दिस इज अ राउंड टेबल, या एक राउंड गोल टेबल, तो टेबल की क्या विशेषता बता रही है, यह राउंड है, गोल है, ठीक है। दीज आर राइप बनानास, दीज आर राइप, ये सब बनानास बहुत ही मतलब मीठे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, है ना। तो ये इसकी विशेषता क्या है, राइप। द वर्ड्स येलो, राइप, रेड, ब्लू, राउंड, फैट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव, ये जो इन सब सेंटेंस के बारे में कुछ बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, ये उनकी एडजेक्टिव कहलाती है। द वर्ड येलो डिस्क्राइब द कार, कार के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया कि कार येलो है। द वर्ड ब्लू, जो सब ब्लू है, डिस्क्राइब द शूज का डिस्क्राइब कर रहा है कि शूज येलो, ब्लू, सॉरी ब्लू है। द वर्ड रेड डिस्क्राइब, रोज के बारे में डिस्क्राइब क्या किया गया कि रोज रेड। द वर्ड फैट डिस्क्राइब द हेन, हेन के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया कि हेन फैट, ठीक है। उसके आगे है क्या, बनानास, बनानास के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया कि बनानास राइप है, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट है, है ना। द वर्ड राउंड डिस्क्राइब टेबल, टेबल के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया, टेबल राउंड है। आइए, उसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको
बताना है। अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द ईच सेंटेंस, है ना। इस सेंटेंस में जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, मतलब जो भी उनके बारे में व्याख्या किया गया है, उसके विशेषता बताई जा रही है, उस विशेषता को हमें अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। द ताजमहल इज अ वंडरफुल बिल्डिंग, ठीक है। द ताजमहल इज अ वंडरफुल बिल्डिंग, ताजमहल बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। तो यहाँ पर ताजमहल की क्या विशेषता बताई जा रही है कि ताजमहल गोरा है, काला है, अच्छा है, गंदा है, बुरा है, कैसा है। यहाँ पर ताजमहल वंडरफुल है, मतलब तो बहुत ही सुंदर है, है ना। तो यहाँ पर वंडरफुल जो है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ताजमहल के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वह बहुत ही वंडरफुल है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट में, आई लव हॉट कॉफ़ी, मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद है ना, मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद है। तो आपको कैसा हॉट कॉफ़ी पसंद है, यहाँ पर हॉट कॉफ़ी। आपको कोल्ड कॉफ़ी भी हो सकता है, यहाँ पर स्वीट कॉफ़ी भी हो सकता है, डार्क कॉफ़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में हॉट दिया गया है। तो कॉफ़ी के बारे में यहाँ कॉफ़ी क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, है ना। कॉफ़ी क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन यहाँ पर नाउन की क्या डिस्क्राइब की जा रही है, कॉफ़ी के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वह हॉट है। तो कॉफ़ी गर्म है, इसलिए यहाँ पे हॉट को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, सी हैज़ ए पिंक बलून, सी हैज़, उसके पास एक पिंक बलून है। उसके पास क्या है, कैसा बैलून है, पिंक बलून है। पिंक की जगह पे वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पिंक बलून है, तो यहाँ पर बलून के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बलून पिंक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसे अंडरलाइन करेंगे, पिंक को अंडरलाइन करेंगे। अ लियोपार्ड हैज अ ब्लैक स्पॉट्स, है ना। लियोपार्ड में क्या होता है, चीता, है ना। तो लियो के ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उनके धारी धार चितकबरी होते हैं शरीर पे। तो लियोपार्ड मतलब चीता के शरीर पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, धब्बेदार, है ना। तो चीता के शरीर पे क्या है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैक को अंडरलाइन करेंगे। द कुतुब मीनार इज़ अ टॉल बिल्डिंग, कुतुब मीनार इज अ टॉल बिल्डिंग, कुतुब मीनार एक लंबा बिल्डिंग है ना। तो कुतुब मीनार के बारे में यहाँ क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो लंबा होता है। यहाँ पर हम किसे एडजेक्टिव मानेंगे, टॉल। मिस्टर लाल इज अ नाइस मैन, मिस्टर लाल इज अ नाइस मैन, मिस्टर लाल जो है क्या है, यहाँ पर नाउन है, संज्ञा है। तो यहाँ पर मिस्टर लाल के बारे में क्या बताया जा रहा है, वह बहुत ही अच्छे आदमी है। तो मिस्टर लाल की एडजेक्टिव यहाँ पर क्या हो गई, नाइस पर्सन। द एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, हाथी जो है बहुत बड़ा जानवर होता है, हाथी जो है बहुत ही बड़ा जानवर होता है। तो यहाँ पर हाथी के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या डिस्क्राइब किया गया, ह्यूज, ह्यूज इज बिग जानवर, बहुत बड़ा जानवर। माय क्लास टीचर इज अ वेरी स्मार्ट, मेरी क्लास टीचर बहुत ही स्मार्ट है। तो माय क्लास टीचर यहाँ पर हो गई आपकी नाउन। क्लास टीचर कैसी है, स्मार्ट भी हो सकती थी, बैड भी हो सकती थी, ब्यूटीफुल भी हो सकती थी,
बहुत कुछ भी हो सकता था, क्लेवर भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर स्मार्ट दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मार्ट। There are grey clouds in the sky. आकाश में जो बादल हैं ग्रे कलर के हैं, तो बादल कैसे हैं, ग्रे है। तो यहाँ पर बादल की जो विशेषता बताई गई है वो क्या है, कि वह ग्रे कलर का होता है। आरव हैज ए न्यू कार, आरव के पास एक नई कार है, न्यू, कैसी कार है, न्यू कार है उसके पास, है ना। तो आरव के पास है ऐसे नया कार, नया की जगह पे यहाँ पे वो भी हो सकता था, पुराना भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। तो यहाँ पर लेकिन न्यू दिया गया है, तो हम यहाँ पर न्यू करेंगे। इसी तरह बाकी और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको एडजेक्टिव के साथ सुटेबल है, जो आपको बुक को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं फिर से आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, बाकी आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप समझ गए हो तो आप अपना एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स यूज वर्ड्स फ्रॉम हेड, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, एम्प्टी मीन्स होता है खाली, टॉल मीन्स लंबा, डीप मीन्स गहरा, बिग मीन्स बड़ा, लॉन्ग मीन्स लंबा, ब्लू मीन्स नीला, ब्लैक काला, राउंड गोल। ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको चूज करना है और आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको आपको पढ़कर सुटेबल जो भी वर्ड्स एडजेक्टिव आपको यहाँ पर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपको जो भी सुटेबल एडजेक्टिव लगेंगे वो उनको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले तो मैं एक बता दे रही हूँ, कोकोनट ट्री इज़ अ ट्री। कोकोनट का जो पेड़ होता है वो कैसा पेड़ होता है, यहाँ पे क्या, उसके लिए क्या सुटेबल आपको लगेगा, क्या लगेगा, टॉल लगेगा, है ना, टॉल, टॉल ट्री, है ना। द टॉल मीन्स क्या होता है, लंबा, टॉल क्या है, वो मतलब किसी जीव के लिए नहीं यूज़ करते, करते हैं लेकिन जनरली लॉन्ग नहीं। जैसे यहाँ पे जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक, है ना, एलिफेंट हैज ए क्या होगा, बिग ईयर्स, रोहन हैज ब्लैक शूज या ब्लू शूज, नहीं सॉरी ब्लू शूज होगा, कोल, कोल मीन्स होता है कोयला, हाँ कोल मीन्स कोयला, कोयला इन कलर, कोयला किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। देयर इज़ अ वेल इन द विलेज, गांव में कुएँ हैं, तो कहाँ, डीप, गहरा कुआँ है, गांव में गहरा कुआँ है। एक छुटिया सा, द बॉल इज अ राउंड शेप, है ना, गोल शेप में होता है, ठीक है। इस तरह से आप अपना बुक कंप्लीट कर लें। उसी तरह यहाँ पर भी है क्वेश्चन नंबर सी, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे जो भी नाउंस दिए गए हैं इनसे सुटेबल आपको यहाँ पर जो भी है इसको आप यूज़ कर रहे हैं, है ना। स्काई के साथ क्या सूट करेगा, ब्लू स्काई। क्लाउन मिस होता है जोकर, तो फनी जोकर, ठीक है। सोल्जर, ब्रेव सोल्जर। बैग, बिग भी हो सकता है, कुछ भी और आगे का देख लेती हैं। हाउस क्या हो सकता है, बिग हाउस भी कर सकते हैं। हेयर, हेयर ब्लैक हेयर। वाटर, रेनी वाटर। जीन्स, जीन्स भी ब्लू ही होता है, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। हॉट वाटर भी हो सकता है,
हॉट वाटर भी हो सकता है, रेनी वाटर भी हो सकता है। जीन्स ब्लू जीन्स हो जाएंगी, ठीक है, और शायद स्मॉल जीन्स भी हो सकता है ना। आप जो भी आपको सूटेबल लगे यहाँ पर फिलअप करोगे। इसी तरह यहाँ पर और भी है, सर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो भी सूटेबल लगेंगे वो आपको यहाँ पर सेंटेंस के साथ सर्कल। द बेब्स ऑफ द सी बियर, द बेब्स ऑफ द सी बियर यूज या स्मॉल यूज होना चाहिए, है ना। सुगर कैन वॉल्स, सुगर कैन वॉल्स, स्वीट या सॉवर। मिट्टी गन्ने का, जो गन्ना कैसा होता है, स्वीट होता है। द टेल ऑफ गॉट इज, गॉट का जो पूछ होता है कैसा होता है, शॉर्ट होता है। द चिल्ड्रन वॉक्ड ऑन द सैंडी या सिल्की बीच, बीच पे कैसे चलते हैं, सैंडी बालू रहता है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई, ग्रीन क्लाउड्स नहीं होते। जैक ब्यूल्ट अ स्मॉल या ओल्ड हाउस, जैक ब्यूल्ट स्मॉल हाउस बनाया कि, तो ओल्ड हाउस तो कोई बनाता नहीं है, स्मॉल ही हाउस बनाए होंगे। मेक द पेयर्स फ्रॉम द बॉक्स, अब इसे आप खुद से बनाओगे, थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाओ, है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में दी गया है शेडी ट्री, यहाँ पे नाउन भी है और एडजेक्टिव्स भी दिए गए हैं। तो नाउन, नाउन को इधर लिखना है, इधर नाउन लिखना है और इधर एडजेक्टिव लिखना है, ठीक है। जैसे शेडी ट्री, ट्री कैसा है, शेडी है, छायादार है, है ना। पेड़ कैसा है, छायादार। उसी तरह एक एक ऑप्शन मैं और दे देती हूँ, सन्नी, सन्नी डे, सन्नी डे मतलब होता है, सन्नी मतलब होता है एकदम धूप वाला डे, है ना, गर्मी वाले डे, सन्नी डे। तीन डे हो गया आपका नाउन, सन्नी हो गया एडजेक्टिव। उसी तरह और भी हो सकता है, ब्लू स्काई, है ना, डिलीशियस केक, टेस्टी फूड, है ना, सॉवर लेमन, है ना, काइंड किंग, फिर टाइनी प्लांट, छोटा पौधा, हाँ, फिर स्वीट सॉन्ग, नहीं, हाँ स्वीट सॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या है, टेडी ट्री हो गया, और भी जो घर बचे होंगे वो आप उनको फिलअप कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आज इस वीडियो में एडजेक्टिव आपको समझाया है। अगर नहीं भी समझ में आती है तो आप प्रश्न कॉल करके उससे बात करें।